हाय एवरीवन, माय सेल्फ भावना, वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। आज हम मिल रहे हैं न्यू क्यू एन ए सेशन के साथ। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे क्यू एन ए चलते हैं जिसपे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके होते हैं और आंसर सजेशंस हमारी तरफ से होते हैं। तो ये नया क्यू एन ए है जिसमें नए स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो चलते हैं जी क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है तेजिंदर लोपो ने, मैम बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे एंड ओपन कर सकते हैं? आप पूछ रहे हो कि आप बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री करना चाहते हो फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, तो उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपको क्या रहेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बता देती हूँ, मैं प्रॉस्पेक्टस से ही साथ के साथ आपको चेक करके बताती जाती हूँ। अगर आप करना चाहते हो बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री, तो फिर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस दो ही तरीके से मेंशनड हैं, या तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, मतलब पीसीएम या पीसीबी, दो टाइप का ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अगर आप नॉन मेडिकल से हैं तब भी कर सकते हैं, मेडिकल से हैं तब भी कर सकते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम में भी आपको यही सब्जेक्ट्स आएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ अगर आप मैथ्स चूज़ करते हो तो मैथ्स आएगा, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायो चूज़ करते हो तो आपको बायो आएगा आफ्टर 12, जब आप बीएससी ऑनर्स करते हो केमिस्ट्री में फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, ठीक है। इसमें एलिजिबिलिटी भी आपको बता देती हूँ, आपके 10+2 में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, उसमें आपने फिजिक्स पढ़ा हो, केमिस्ट्री पढ़ा हो, इंग्लिश किया हो, साथ में आपने मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में से कोई एक चीज़ करी हो, तो आप इसमें एलिजिबल, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ अगर मैथ्स किया है या बायो करा है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, और यही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपको फिर पॉसिबल हैं आपके एग्ज़ाम में भी, राइट। आई होप आपका डाउट सॉल्व हो गया होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उम एंड असमी ने, इस चंडीगढ़ कोटा बेनिफिशियल इन दिस, आप PUCT UG की बात करते हैं। देखो जी, अकॉर्डिंग टू मी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ कोई रिजर्वेशन ऐसे फॉलो नहीं करती स्टेट के लिए कि अगर ये इसका है तो उसको इतने परसेंट दिया जाएगा, उसका है तो उसको इतने परसेंट दिया जाएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो आपको सीट मिलेगी, अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता तो आपको सीट नहीं मिलेगी। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कितने परसेंट इसका इतने परसेंट इसका, अकॉर्डिंग टू मी तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। बाकी एक बार जो ऑफिशियल साइट है आप उसमें भी क्रॉस चेक जरूर कर लेना। तो अगर आप पढ़ के पेपर देते हो तो आपको होएगा, नहीं देते, नहीं पढ़ के जा रहे, नहीं पेपर क्लियर हो रहा तो नहीं एडमिशन होएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप चंडीगढ़ के हैं तो आपको साथ के साथ एडमिशन हो जाएगी, ना। उन्होंने एंट्रेंस रखा है, आप उस एंट्रेंस की तैयारी करो, अच्छे से उसमें पढ़ के जाओ, पेपर दो, डेफिनेटली आपके एडमिशन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आनंद ने, इन ये पूछते हैं PPMET चंडीगढ़ डोमिसाइल वाले भी कर सकते हैं क्या? PPMET में चंडीगढ़ डोमिसाइल वाले भी कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल। अगर आप पंजाब पैरा मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हो, आपके पास चंडीगढ़ का डोमिसाइल है, तो आप इसमें बिल्कुल जा सकते हो। आप ज़रूर इसकी तैयारी करो PPMET की। इसके फॉर्म्स अभी नहीं आए हैं टिल द डेट आई एम मेकिंग दिस वीडियो, तो जब आएंगे ज़रूर आपको बताएंगे, बट आप इसकी प्रेपरेशन जो है वो जारी रखो, तभी आपको इसमें मिल जाएगा। हाँ जी, आप एलिजिबल हैं, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निशांत ने, लास्ट ईयर कट ऑफ फॉर BSc जूलॉजी इन पंजाब यूनिवर्सिटी, अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी से BSc ऑनर्स इन जूलॉजी करना चाहते हो तो फिर उसमें कट ऑफ कितनी रहेगी? देखो जी, जो कट ऑफ है वो एवरी ईयर चेंज होती है, कोई एक वैल्यू कट ऑफ में नहीं है कि मैं आपको बताऊं, है ना। ये डिपेंड होता है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो उस कोर्स में जाना चाहते हैं, या कितने एप्लीकेंट्स इस बार अप्लाई करेंगे इस कोर्स में, फिर क्वेश्चन का पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे उनका लेवल क्या है, डिफ़िकल्ट लेवल के आ रहे हैं, मॉडरेट आ रहे हैं या आसान आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही कट ऑफ जो है वो बनेगी। अगर क्वेश्चंस मुश्किल हैं तो थोड़े क्वेश्चंस करके भी अच्छी कट ऑफ बन जाएगी, अगर क्वेश्चंस आसान है तो ज़्यादा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे फिर जाके अच्छी कट ऑफ बनेगी। सो इट टोटली डिपेंड्स कि कितने लोग उसमें जाते हैं और कैसा पेपर आता है, और हर साल ये पैटर्न चेंज होता रहता है। कोई एक वैल्यू नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि आप इतने क्वेश्चन आपने कर दिए या इतने मार्क्स आके आ गए तो डेफिनेटली आपको एडमिशन मिल जाएगी, ठीक है। तो आप बस अपनी तरफ से बेस्ट प्रिपरेशन करो, जितना अच्छा कर सकते हो तैयारी उतनी अच्छी करो,
अच्छे से करके जाओ तैयारी, अच्छे से पढ़ के पेपर दो, जरूर आपका हो जाएगा, बट आई एम सॉरी मैं एक कट ऑफ का आंसर नहीं कर सकती। नेक्स्ट है हमारे पास, सर कैन यू प्लीज टेल मी द स्पेसिफिक चैप्टर्स इन ईच सब्जेक्ट एंड कैन वी अप्लाई इन पंजाब यूनिवर्सिटी बाय नीट आल्सो। पहले मैं आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर करूंगी अदिति, आप कह रहे हो अप्लाई इन पंजाब यूनिवर्सिटी बाय नीट, अ बिग नो, आई एम सॉरी बट अ बिग नो फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज नीट के थ्रू आप पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते। आप कहो कि मेरा नीट में बड़ा अच्छा स्कोर है, इवन अगर आप नीट में टॉप भी कर चुके हो स्टिल आप पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते, नीट के थ्रू नहीं ले सकते। पंजाब यूनिवर्सिटी अपने सेपरेट एंट्रेंस कंडक्ट करती है, PUCT, UG जो आफ्टर ट्वेल्थ होते हैं, आप उसमें अप्लाई करोगे, वो वाला जो एंट्रेंस है उसे दोगे, उसे क्लियर करोगे तो आपकी एडमिशन होएगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो नीट में क्वेश्चंस का लेवल आता है और जो PU में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका लेवल टोटली डिफरेंट होता है। नीट तो जैसे आपको पता ही है कि प्योरली NCERT है, स्पेशली बायो की बात करें टोटली NCERT वर्डिंग उठा के नीट में पूछते हैं, बट PU में ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ आउट ऑफ NCERT पोर्शन भी रहता है। तो आप इस सहारे बिल्कुल ना रहो कि मैंने नीट दिया है तो मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में भी मिल जाएगी या किसी और यूनिवर्सिटी में भी मिल जाएगी, है ना, ऐसा नहीं है। जैसे PU, PAU ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने सेपरेट एंट्रेंस लेके उसके थ्रू एडमिशन्स देते हैं, तो आप उनके एंट्रेंस टेस्ट की स्पेसिफिक होकर तैयारी करो। आप डिसाइड कर लो आप नीट में जाना चाह रहे हो या पंजाब यूनिवर्सिटी में, अगर दोनों में जाना चाह रहे हो तो दोनों की तैयारी साइड बाय साइड करो, नीट की जो कर रहे हो उसे जारी रखो, साथ में PU के लिए भी तैयारी अपनी सेपरेटली करो, तभी आप इसमें एडमिशन ले पाओगे। ना तो नीट का पेपर दे के आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, ना आप नीट को क्वालिफाई करके PU में एडमिशन ले सकते हो, ना नीट की तैयारी करके आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, आपको सेपरेटली चीज़ें करनी पड़ेंगी, सेपरेट फॉर्म फिलिंग करनी है, सेपरेट एंट्रेंस देना है, तैयारी भी उसी हिसाब से करनी है, फिर जाके इसमें एडमिशन होगी, ठीक है। बहुत बड़ी आप उस गलत फहमी में घूम रहे हो, ये ऐसा नहीं है, आपको सेपरेटली प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। टेल और सेकेंड एक चीज़ को आपने क्वेश्चन पूछा था, टेल मी द स्पेसिफिक चैप्टर्स इन ईच सब्जेक्ट। स्पेसिफिक चैप्टर्स आप बी फार्मेसी करना चाहते हो जी पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो मैं हर सब्जेक्ट के आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कोई 2-4, 10 मिनट आधे घंटे में कैसे बता दूँ, हाउ इज़ इट पॉसिबल? मेरे लिए तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये चीज़ टाइम कंज्यूमिंग है पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको धीरे धीरे करके ये बात समझ आएगी कि ये कैसे इसमें पढ़ना है। अगर मैं चैप्टर बता भी दूँ तब भी आप उसको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करके जाओगे, पता है मुझे आप उसको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करके जाओगे, पर वो चीज़ PU में वैलिड एक हद तक ही होएगी, उससे ज़्यादा नहीं होएगी। मैं बता ही रही हूँ आपको नीट से हटके इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, नीट वाला जो आपका फील्ड है ना उससे बाहर आके आपको इसकी प्रेपरेशन करनी पड़ेगी, फिर जाके आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। मैं इसकी हेल्प आपको ये कर सकती हूँ, मैं आप सभी को बता दूँ कि हमारे पास अन्य कोचिंग क्लासेस में स्पेशल बैचेस अवेलेबल हैं फॉर वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक PU, CT, UG, ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी का है, ऐसे ही पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी PAU, CT का जो होता है या BSET का जो होता है वो वाला हो गया। इसके अलावा नर्सिंग एग्ज़ाम्स जो हैं जिसमें PGI है, PPMET है, GCET है, एम्स नर्सिंग है, ऐसे ही बहुत सारे कोर्सेज की जो प्रेपरेशन है वो हम करवाते हैं। एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बिल्कुल स्पेसिफिक प्रेपरेशन इसमें आपको करवाई जाती है, जैसे PU में PU के अकॉर्डिंग तैयारी करवाई जाएगी, PAU में PAU के अकॉर्डिंग तैयारी करवाई जाएगी। जैसा वो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जैसे टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, बिल्कुल वैसी ही तैयारी इसमें आपको करवाई जाएगी। स्पेशल एक्सपर्ट टीचर्स आपको करवाएंगे, जिसमें आपको लाइव क्लासेस में करवाते हैं अगर आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हो। ऑफलाइन सेंटर हमारा यहाँ लुधियाना पंजाब में है, आप यहाँ आके क्लासरूम कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन में भी लाइव क्लास के थ्रू करवाते हैं, जिसमें आपको कोई भी डाउट है आप साइड बाय साइड हमें पूछ सकते हो अपने टीचर से, आप साथ के साथ पूछोगे साथ के साथ आंसर मिलेगा। 24/7 आपके पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, आप जब मर्जी उसको खोल के पढ़ सकते हो। हमारा एक पोर्टल है SEC का, जिसपे सारी थ्योरी क्वेश्चंस जो हैं वो ऐड करे हुए हैं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, और वैसे ही उस कोर्स का एक्सेस देंगे आपको, उसी की आप प्रेपरेशन करोगे, ठीक है। आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके पास अपने टीचर का पर्सनल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट होएगा, आप जब मर्जी उन्हें कॉल या मैसेज करके वो चीज़ पूछ पाओगे, ठीक है। फिर फुल सिलेबस करवाने के बाद आपको जो मॉक टेस्ट सीरीज होती है फुल सिलेबस के क्वेश्चंस, मींस पहले हर चैप्टर के थ्योरी क्वेश्चंस चलेगी, वीकली टेस्ट सीरीज चलेगी,
फिर उसके बाद जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फुल सिलेबस के जो क्वेश्चंस हैं वो लाइव क्लासेस में भी करवाएंगे, आपको खुद को भी देंगे वो सॉल्व करने के लिए सेपरेट। फिर ऐसे आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग तैयारी करवाई जाएगी, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाएंगी, एग्ज़ाम कैसे अटैम्प्ट करना है ये भी बताया जाएगा। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं, हमें ज्वाइन करने के लिए इस डिस्प्लेड नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और कोई और डाउट रह गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी हम वापस आ जाते हैं, आई होप जो आपके डाउट्स हैं वो सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट बनवाला ने पूछा है, मैम पंजाब यूनिवर्सिटी में बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स है क्या, अगर है तो उसकी डिटेल्स बताएं। आई एम सॉरी बट पंजाब यूनिवर्सिटी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का कोई प्रोग्राम ऑफर नहीं करती। पंजाब यूनिवर्सिटी में बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स नहीं है, मुझे तो नहीं मिला भाई प्रॉस्पेक्टस में, आप भी चेक कर लो शायद आपको मिल जाए। नहीं है जी, मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग तो उसमें नहीं है। जो उसमें कोर्सेज हैं ना पंजाब यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज हैं उसकी एक वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से हैं। उसमें मेनली बी फार्मेसी है, बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, फिजिक्स, फिजिक्स स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोफिजिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ये मेन कोर्सेज हैं। तो इनमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री ऐसा कुछ तो नहीं है। तो आप अगर एग्रीकल्चर का करना चाहते हो तो आप पंजाब यूनिवर्सिटी को अपनी लिस्ट से निकाल दीजिए और कोई और ऑप्शन को कंसिडर करो। आप ICR को कंसिडर कर सकते हो, या फिर अगर आप पंजाब रेजिडेंट हैं तो जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स लेती है, PAUK, CET का हो गया जैसे, या BSET का हो गया, आप वो कंसिडर कर सकते हो। बट PU को अपनी लिस्ट से निकाल दो अगर आपका टारगेट है एग्रीकल्चर का कोर्स, तो ये नहीं ऑफर करते। नेक्स्ट कामना राजपूत ने पूछा है, मैम हाउ आई एम स्टार्ट प्रेपरेशन टू टेक एडमिशन इन बीएससी एग्रीकल्चर इन PU। सेम आंसर जी जो अभी मैंने बताया है, पंजाब यूनिवर्सिटी तो ऑफर ही नहीं करती बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स, और आप मुझसे पूछ रहे हो कि उसकी प्रेपरेशन कैसे करें। प्रेपरेशन करके क्या करोगे जब उसमें एग्ज़ाम ही नहीं है? मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स करवाती ही नहीं है, तो आप तैयारी किस चीज़ की करने का पूछ रहे हो? PU नहीं है, अदर ऑप्शंस कंसिडर करो, PAU के एग्ज़ाम्स या फिर ICR का एग्ज़ाम, उसको उसके अकॉर्डिंग चलो। इस चैनल पे बहुत वीडियोस मिल जाएंगी आपको, आप उसे थोड़ा सा देखो, आपको गाइडेंस मिलेगी। नेक्स्ट BS Artifice ने पूछा है, जो भी एक्चुअली आपका नेम होता है, जो आपका चैनल का नेम होता है वही यहाँ पर डिस्प्ले होता है, तो हम उसी से आपको बुलाते हैं। मैम व्हाट इज़ द बेस्ट कोर्स आफ्टर 12th नॉन मेडिकल इन पंजाब यूनिवर्सिटी? आपने अब 12th नॉन मेडिकल करा है और आप पंजाब यूनिवर्सिटी में बेस्ट कोर्स पूछते हैं। बेस्ट कोर्स तो सारे कोर्सेज ही अच्छे होते हैं, ये चीज़ डिपेंड करती है हमारी प्रायोरिटी पे। आप क्या बनना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट किस में है, आप किस में अपना फ्यूचर देखना चाहते हो। कोर्सेज तो सारे अच्छे हैं, है ना, ये यूनिवर्सिटी में कोर्सेज तो सारे अच्छे हैं, आप अपना फ्यूचर किस में देखते हो वो कोर्स आपके लिए अच्छा है। जो 12th नॉन मेडिकल के बाद कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं मैं आपको वो बता देती हूँ, मैं इतनी हेल्प कर देती हूँ कि 12th नॉन मेडिकल के बाद जो आपके पास कोर्सेज हैं जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं आप वो देख लो। अगर आपने PCM किया है तो आप बी फार्मेसी का कोर्स कर सकते हो, काफ़ी अच्छा कोर्स है, काफ़ी वैल्यू है इस चीज़ की, पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत डिमांड है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा दूर दूर से आते हैं इस कोर्स में जाने के लिए, कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है, सबसे डिमांडिंग कोर्स है मुझे तो ये लगता है। बाकी आपके पास अदर ऑप्शंस हैं, जैसे आपने PCM किया है तो फिर आप BSc ऑनर्स इन एंथ्रोपोलॉजी, BSc ऑनर्स इन केमिस्ट्री, BSc ऑनर्स जियोलॉजी, BSc ऑनर्स फिजिक्स, BSc ऑनर्स फिजिक्स स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, BSc ऑनर्स इन बायोकेमिस्ट्री, BSc ऑनर्स इन माइक्रोबायोलॉजी, BSc ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी, बायोफिजिक्स, आप इनमें भी जा सकते हो। अगर आपने नॉन मेडिकल किया है तो फिर आप BSc ऑनर्स इन मैथमेटिक्स या एक और कोर्स होता है BSc ऑनर्स इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, आप इनमें से किसी में भी जा सकते हो। जो आपके पास ऑफर्स हैं वो मैंने सारी बता दी, आप देख लो आप किस में अपना फ्यूचर देखते हो, आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, फिर उसके अकॉर्डिंगली इस चैनल पे सेपरेट वीडियोस हैं, जैसे बी फार्मा की अलग वीडियो है, मैथमेटिक्स की अलग वीडियो है, मतलब उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, उसमें कितनी सीट्स हैं, जो एग्ज़ाम है उसमें आपको कौन से सब्जेक्ट्स के आएंगे, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, उसके सेपरेट वीडियोज़ हैं, यही लेटेस्ट 23 प्रॉस्पेक्टस के अकॉर्डिंग, आप उसे प्लीज़ चेक कर लो।
सारी देख लो वीडियोस एक बारी, जो जो कोर्सेज आपके पास हैं अभी मैंने बताए उन कोर्सेज को देख लो, आपको पता चल जाएगा कि क्या वे है, फिर जो इंटरेस्ट है उसमें प्रोसीड कर लेना, गुड लक। नेक्स्ट पूछा है इसरार अब्बासी ने, आई एम सॉरी अगर मैं कोई गलत नेम प्रोनंसिएट करूँ किसी का, ओबीसी सीट किस में जी? पहली बात तो आपने कोर्स का नेम नहीं लिखा, ना यूनिवर्सिटी का नेम लिखा है, किस में? ओबीसी सीट तो होएगी कहीं ना कहीं किसी ना किसी में, मुझे लग रहा है आपने कमेंट किया हुआ है बीएससी एग्रीकल्चर इन पीएयू वाले में। वैसे उसमें जो टोटल हैं है ना सीट्स, वो मैं आपको बता देती हूँ एक बारी, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए, फिर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर सीटी में भी आप जा सकते हो अगर कैंपस से करना चाहते हो, अगर आप इसके अंदर जो कॉलेज आता है बल्लोवाल सौंखरी उसमें भी जा सकते हो बीएससीटी वाला टेस्ट देके। वैसे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 4 इयर्स जो कोर्स है जिसमें आप सीटी के थ्रू जाते हो, उसमें जनरल एंड रिजर्व्ड की 80 सीट्स हैं, जिसमें जनरल एंड रिजर्व्ड दोनों हैं। अब इसमें से कुछ जनरल की होंगी, कुछ रिजर्व, फिर रिजर्व में सारे एससी एसटी ओबीसी ये सब आएंगे। नॉमिनेटेड बाई आईसीआर 4 हैं और टोटल नंबर ऑफ सीट्स 94 हैं। ये पिछली बार के प्रॉस्पेक्टस के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, बिकॉज रिसेंट अभी नहीं आया है, राइट? ऐसे ही अगर आप उसमें जाते हो बल्लोवाल सौंखरी में, तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 4 इयर्स के लिए जनरल एंड रिजर्व की 60 सीट्स हैं, बस यही है, इसमें आईसीआर के अकॉर्डिंग इसमें कोई सीट नहीं है। तो जो मुझे चीज़ समझ आई जी मैंने आपको बता दी है, बाकी आप पिछला प्रॉस्पेक्टस या रिसेंट प्रॉस्पेक्टस को फॉलो कर सकते हो या फिर यहीं से आपको पता चलेगा जी। नेक्स्ट सुमित कुमार पूछते हैं, मैम अदर स्टेट्स की कितनी सीट्स हैं बी फार्मा में? बी फार्मेसी में अगर आप जाना चाहते हो तो अदर, पहले तो इसमें जो जनरल हमें सीट्स अवेलेबिलिटी दी हुई है वो ओपन की 46 हैं, जिसमें अगेन ये अब जनरल एंड रिजर्व्ड की इकट्ठी हैं। एनआरआई की 6 सीट्स हैं, फॉरेन नेशनल्स की 2 सीट्स हैं, ठीक है? तो इसमें भी आपको प्रॉस्पेक्टस में ही मैंशनड होता है कि कितने परसेंट सीट्स किस कैटेगरी की हैं। रिजर्वेशन का यहाँ पर हमें पीयूसीटी के प्रॉस्पेक्टस में जो चीज़ मेंशन्ड है मैं आपको बता देती हूँ। जनरल एंड रिजर्व्ड के लिए उन्होंने कहा है 53.5% सीट्स होती हैं हर कोर्स में जो जनरल कैटेगरी के लिए हैं, जो जनरल के लिए हैं, एंड 46.5% सीट्स होती हैं जो रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए हैं, और उसकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं। इनमें से 15% सीट्स होती हैं शेड्यूल्ड कास्ट के लिए एससी के लिए, 7.5% सीट्स होंगी शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी के लिए, एंड 5% सीट्स होंगी जो बैकवर्ड कैटेगरी के हैं बीसी है उसके लिए। अब जितनी भी टोटल सीट्स हैं उसकी इतनी परसेंट सीट्स इस रिजर्वेशन को हैं, तो उसका परसेंटेज निकालो, जितने वैल्यू आई बस उतनी सीट्स हैं, ठीक है? आई होप आपका जो डाउट है वो सॉल्व हो गया। तो यही कुछ क्वेश्चंस थे जो स्टूडेंट्स ने पूछे हुए थे। अगर आपका भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, नेक्स्ट टाइम आप हमारी वीडियो में ज़रूर आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा होपफुली। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्ले नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने कोर्स की डिटेल इन बिटवीन वीडियो में बताई आप उसे देख सकते हैं। इस चैनल पर और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिल जाएंगी अलग अलग कोर्सेज के लिए, आप उसे भी प्लीज़ चेक कर लीजिए। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू, गुड लक।